नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरीफाई इंडिया में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं भगवान शंकर जी का साक्षात अवतार माने जाने वाले श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। दोस्तों भगवान आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में वर्तमान केरल के कालपी अथवा काशाल नामक ग्राम में एक नामुद्री ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री शिवा गुरु एवं माता का नाम श्रीमती आर्यंबा था। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के माता पिता काफ़ी समय तक निसंतान थे। तत्पश्चात कड़ी तपस्या के बाद इनकी माता जी को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, परंतु उनकी आयु बहुत ही कम होगी और वह शीघ्र ही देवलोक को गमन कर लेंगे। दोस्तों जब शंकराचार्य जी की आयु मात्र 3 ही वर्ष थी तभी उनके पिताजी का अचानक देहांत हो गया था तथा उसके बाद उनकी माता जी ने ही उनका लालन पोषण किया था। दोस्तों श्री शंकराचार्य जी जन्म से ही बिल्कुल बुद्धिमान व गंभीर स्वभाव के थे तथा शंकराचार्य जी ने मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही स्थानीय गुरुकुल से सभी वेदों और लगभग 6 से अधिक वेदांतों में महारत हासिल कर ली थी और इसके बाद 8 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। दोस्तों इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी ही विचित्र है। कहते हैं कि माताजी एकमात्र पुत्र होने के कारणवश इनको सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। फिर एक दिन नदी किनारे नहाते हुए एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तभी उस अवसर का लाभ उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, हे माँ आप मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो अन्यथा यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। दोस्तों पुत्र के मुख से यह सब सुन उनकी माता जी ने उन्हें तुरंत सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान कर दी थी। और दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही माता जी ने इन्हें संन्यास लेने की आज्ञा प्रदान की वैसे ही तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया था। दोस्तों संन्यास ग्रहण करने के बाद शंकराचार्य जी केरल से लंबी पदयात्रा करके नर्मदा नदी के तट पर स्थित श्री ओंकारनाथ जी पहुँचे। वहाँ ये गुरु श्री गोविंद पाद जी से योग शिक्षा तथा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगे। 3 वर्ष तक आचार्य शंकराचार्य जी अद्वैत तत्व की साधना करते रहे एवं तत्पश्चात ये गुरु आज्ञा से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। दोस्तों शंकराचार्य से जुड़े बहुत से किस्से हैं जिनमें से कुछ किस्से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों जिनमें से एक किस्सा यह भी है कि जब यह काशी जा रहे थे तभी अचानक इनकी राह में एक चांडाल आ गया तथा चांडाल को अपने सामने देख श्री शंकराचार्य जी क्रोधित हो गए और उस चांडाल को वहां से हट जाने के लिए कहा। तो दोस्तों यह सुनकर चांडाल बोला, हे मुनि आप शरीरों में रहने वाले एक परमात्मा की अपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप ब्राह्मण हैं अतः आप ही मेरे मार्ग से हट जाइए। चांडाल की यह देववाणी सुन आचार्य शंकराचार्य जी ने अति प्रभावित हुए और कहा कि आपने मुझे ज्ञान दिया है अतः आप मेरे गुरु हुए। यह कहकर आचार्य शंकर ने उन्हें प्रणाम किया तो तभी चांडाल के स्थान पर साक्षात भगवान शिव तथा चारों देवों ने उन्हें दर्शन दिए। दोस्तों काशी में कुछ दिन रहने के बाद एक बार शंकराचार्य जी महिष्मती नगरी में आचार्य मंडन मिश्र जी से मिलने गए थे। आचार्य मंडन मिश्र बहुत ही प्रकांड पंडित एवं विद्वान थे। दोस्तों बताया जाता है कि आचार्य मिश्र के घर पर उनकी पालतू मैना भी वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी तथा दोस्तों बताया जाता है कि एक दिन आचार्य शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया तो पति आचार्य मिश्र को हारता देख उनकी पत्नी श्रीमती भारती जी आचार्य शंकर से बोली, हे महात्मन अभी आपने सिर्फ आधे ही अंक को जीता है और अपनी युक्तियों से मुझे पराजित करके ही आप विजयी कहलाएंगे। दोस्तों आचार्य शंकर जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। तभी तो मिश्र जी की पत्नी श्रीमती भारती जी ने शंकराचार्य जी से काम शास्त्र पर प्रश्न करने आरम्भ की, परंतु आचार्य शंकर जी तो बाल ब्रह्मचारी थे अतः काम से संबंधित उनके प्रश्नों के उत्तर वह नहीं दे पाए। अतः इन्होंने भारती जी से कुछ दिनों का समय मांगा। वह उसके बाद परकाया में प्रवेश कर उस विषय की सारी जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों इसके बाद आचार्य शंकराचार्य जी ने भारती जी को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया था। दोस्तों इसके बाद आचार्य शंकराचार्य जी काशी में प्रवेश के दौरान उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को भी शास्त्रार्थ में प्रसाद किया और वहाँ पर गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए। दोस्तों बताया जाता है कि एक बार आचार्य शंकराचार्य जी ब्रह्म मुहूर्त में अपने शिष्यों के साथ एक अति संकरी गली में स्नान हेतु मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। रास्ते में एक युवती अपने मर्द पति का सिर गोद में लिए विलाप कर रही थी। आचार्य शंकर के शिष्यों ने उस स्त्री को अपने पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन वह स्त्री उसे अनसुना कर रुदन करती रही।
तब स्वयं आचार्य ने उससे वह सब हटाने का अनुरोध किया। उनका आग्रह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे सन्यासी, आप मुझसे बार बार यह सब हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते। यह सुनकर आचार्य बोले, हे देवी, आप शौक में कदाचित यह भी भूल गई है कि शव स्वयं हटने की शक्ति नहीं होती। स्त्री ने तुरंत उत्तर दिया, महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्मा ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता। उस स्त्री का ऐसा गंभीर ज्ञान में और ऐसे पूर्ण वाक्य सुनकर आचार्य जी वहीं बैठ गए और उन्होंने तुरंत समाधि लगाई तथा अपने अंतःचक्षु से उन्होंने देखा कि सर्वत्र आद्य शक्ति महामाया लीला विलाप कर रही है। उनका हृदय अनिर्वचनीय आनंद से भर गया और मुख से मात्र वंदना की शब्दमयी धारा स्रोत्र बनकर फूट पड़ी। दोस्तों, बताया जाता है कि समय के साथ यह उनका ज्ञान अथाह होता चला गया और उन्होंने अपने इस ज्ञान को बहुत से तरह जैसे उपदेशों के माध्यम से अलग अलग मठों की स्थापना करके ग्रंथ लिखकर संदेश लोगों तक पहुँचाया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम योग का महत्व बताया था तथा ईश्वर से जुड़ने के तरीकों का वर्णन किया था। दोस्तों, शंकराचार्य अनेक शिष्यों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की तथा इसके बाद वो धर्म प्रचार करने लगे थे। दोस्तों, वेदांत प्रचार में संलग्न रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। अद्वैत ब्रह्मवादी आचार्य शंकर केवल निर्विशेष ब्रह्मा को ही सत्य मानते थे और ब्रह्म ज्ञान में ही निमग्न रहे थे। दोस्तों, श्री शंकराचार्य जी का स्थान विश्व के महान दार्शनिकों में सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने ही इस ब्रह्म वाक्य को प्रचारित किया था कि ब्रह्मा ही सत्य है और जगत माया है, आत्मा की गति मोक्ष में है। दोस्तों, उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर ही आधारित है, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप में रहता है। यही नहीं, शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से कार्य किए हैं जो सराहनीय है और भारत की अमूल्य धरोहर के रूप में आज भी जाने जाते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य जी ने विभिन्न मठों की स्थापना की, इसी के साथ कई शास्त्र उपनिषद भी लिखे। उन्होंने भारतवर्ष के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। दोस्तों, वो चारों मठ निम्न प्रकार से हैं, जैसे उत्तर दिशा में बद्री का आश्रम में ज्योतिष पीठ, पश्चिम में द्वारिका में शारदा पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ तथा पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ स्थित है। दोस्तों, बताया जाता है कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी 820 ईस्वी में मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही श्री केदारनाथ धाम में ब्रह्मलीन हो गए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब हम आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।